Assalamu alaikum, may Allah bless you. Do you know what your kids or child are doing online? The more you can know about the risk, the better you can play an active role to keep your kids or child safe online. Here we share what you can do. The number one, talk to your children about online safety. Number two, agree on boundaries. Choose age-appropriate apps and websites. Number four, set privacy settings together. Number five, show them how to keep themselves secure. Number six, learn from your child. Number seven, set parental control. And number eight, and do fun offline activity as a family together. My viewers, when you follow this step, inshallah, your kids and child safe and doing better result, because every children want to be fun and freedom. Then you can visit education videos like Taleemabad, Smithsonian, the Brain Scoop, Houston Zoo, and other. You can learn more about that in this video description. Thank you very very much. And take care your child. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्या करते हैं, कौन से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यह हमें जानना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन किए हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। नंबर वन, कि आपको उसके ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप बच्चे को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, और उसको उसके हवाले से बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन वो बच्चे को कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन सेफ रह सकता हूँ, उसकी क्या तरीक़ेकार होगी। नंबर दो, कि हमारा ऐसा माहौल जिसमें बाकायदा तौर पर हम बच्चे को अपनी निगरानी में उन तमाम एक्टिविटीज़ को करवाएं, और जो करना चाह रहे हैं वो अपनी निगरानी में हो, मतलब हमारी सराउंडिंग में ही वो बच्चा हो। नंबर तीन, और हम ऐसे ऐप, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे वेबसाइट विज़िट करें जो हमारे बच्चों के एज के मुताबिक हों। नंबर चार, और उसकी सेटिंग हम खुद से ऐसे बनाएं, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे लैपटॉप में, चाहे कंप्यूटर में सिस्टम में हो, उसकी सेटिंग, उसकी प्राइवेसी सेटिंग को हम खुद से सेट करें। इसी तरीके से नंबर फाइव के बारे में बात करें तो फाइव में यह कि आपको खुद से उसको सिक्योर करना पड़ेगा, मतलब यह कि आप उसके पास रह कर उन चीज़ों को उसको अंडरस्टैंड करवाएँ कि किस तरीके से ओपन करेंगे, किस तरीके से कौन कौन से वेबसाइट्स फ़ायदेमंद हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। और अपने बच्चों के साथ कभी कभार मोबाइल से हटकर, डिवाइस से हटकर भी हम खुद से ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करें और उनको मोबाइल से थोड़ी सी दूरी हो। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप कोई नई स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, ये छोटे मोटे स्टेप्स मैंने सुबह थोड़े से बता दिए, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और इसी तरीके से अगर बच्चे को काफ़ी मोबाइल के साथ लगाव है या डिवाइस के साथ लगाव है, तो बेहतर ये है कि आप उनको एजुकेशनल वेबसाइट्स का विज़िट करवाएं, एजुकेशनल वीडियोस दिखाएं। जैसे कुछ मैं आपको चैनल्स के नाम बता रहा हूँ जो बेहतरीन हैं, जो फ़न भी इसमें है और एजुकेशन भी है, जैसे कि तालीमाबाद है, स्मिथसोनियन है, और द ब्रेन स्कॉप है, और हाउस्टन ज़ू है। उसके अलावा बहुत से हैं जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उनके हमने नेम भी बताएँ और लिंक भी दी हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। इस वीडियो को स्पेशली मुझे इंग्लिश में बनाने का एक रिक्वेस्ट किया गया कि आप इनको थोड़ा सा हमें इंग्लिश में भी बताया जाए, कौन से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश उर्दू में उनको कन्फ्यूजन है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर थोड़ा सा मैंने एक पार्ट इंग्लिश में और दूसरा पार्ट अपने व्यूवर्स के उर्दू में बता दिए। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मौका दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद बेल बटन को दबाइए मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।